नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। 3-4 साल हो गए हैं संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा अब समाज में नहीं है। इतने सालों से क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर, ये जानने के लिए हम पब्लिक सर्वे कर रहे हैं और आपको सीधी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? चंदन सिंह। चंदन सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा जो संस्था है उसके जो गुरुजी हैं संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी साहब, वो 3-4 सालों से समाज में नहीं है, क्या लगता है आपको, क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर? सारा प्रभाव पड़ रहा है क्या, कुछ भी नहीं है। तो यह डेरे के अंदर देखा 100 आदमी भी नहीं है, और पिताजी से करोड़ों आदमी खड़े होते थे, जगह नहीं मिलती थी यहाँ चलने के लिए। मैं तो फरिश्ता ड्राइवर हूँ खुद ही, और 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और पिताजी निर्दोष हैं, 100% निर्दोष। ऐसे क्यों बोल रहे हो आप गुरुजी को, मतलब आपका तो हम जानते हैं, इसीलिए बोल रहे हैं ना, गुरुजी जुड़े हुए हैं, निजिल बोल रहे हैं ना। और दोषी होता तो कौन आता था, आता है कोई? मैंने 20 साल हो लिए आप रहते, आज भी आपकी आस्था कैसी है गुरुजी? आएंगे गुरुजी, सतगुरु से प्यार है, प्रेम है। लेकिन सर दुनिया ने तो इतना अलग दिखाया उनके बारे में, मनमते लोग हैं ना, वे तो दिखाएंगे जैसे खट्टा है, खट्टा खट्टा खट्टा, वो अब खाट वगैरह है। मसतराम जी ने बताया नहीं थे एक बार गद्दे के ऊपर रोड़ा कराया था उसने, मेरे को गद्दी दे दिया, बोला रहा भी इतनी खट्टा से बगा रहा, बात में तो बहुत घनी बगाएगा वो, इन्हें तो खट बगाई है, वही तो खट्टा है। सर फिर गुरु जी के ऊपर ही क्यों वो लगा रहे हैं? गुरु जी के ऊपर एक संस्था को ऊपर चढ़ेगी ना, उसके गिराने के लिए ये आरोप लगा, भैया इतना ऊपर क्यों चढ़ा, करे मुख्यमंत्री ना हो जाए, प्रधानमंत्री ना हो जाए, सरकार भी पीछे लग रही थी, बीच विदेश ने सारा सुनता। गुरु जी के पास कितने के लोग आते आते हैं अब, पहले भी आज भी, क्या कहना है? अब क्या आते हैं, अब तो सारे तकरीबन जो जुड़े हुए तो मनते तो सभी है ही, और पहले तो करोड़ 2.5 करोड़ आदमी आते थे, जनवरी के महीने में 2.5 करोड़ हमने खुद ही सर्व किया था, खुद ही थे हम भी खाना खिलाने में 2.5 करोड़ के बीच में, 51 मिनट में खाना खिला दिया था गुरु जी थे जब, और 17 बेटे जो वेश्या थी भांडे थे कर कर चक्कर खाती, वे बेटी बना को नहीं शादी किया, और आज वो प्रधानमंत्री एक वेश्या ने बेटी बना शादी करके दिखा दो, कट्टर दिखा दो, जो कैसा दिखा दो, एक तो दिखाओ, अरे 17 और वे 24-25 जिसने मार देना था वो ये लड़की अपनी बेटी बना रखी। सर और क्या किया है गुरुजी ने इस लोगों के लिए काम, और क्या क्या करेंगे गुरुजी, तो सच्चे हैं। देश को आगे बढ़ाने के लिए कोई योगदान दिया सर? देश को तो आगे जो बढ़ाओ ना, को रुकने देता हो, रुकने तो नहीं दिया ना, आगे तो बढ़ता पूरा, अरे भी बढ़ाया था देश तो, यहाँ 50 दिन कई दिन गए प्रधानमंत्री, भाई 2 दिन हमको दे दो जमना पूरी सफाई कर देंगे आगरा तक की, 2 दिन क्यों नहीं दिया, क्यों पैसा बमनी नहीं बनती MLA थोड़ा ये। आज जरूरत है सर समाज को उनकी, हैं समाज को जरूरत है गुरुजी की? जरूरत है, जब याद करते हैं रोते हैं याद कर कर, हैं समण करते हैं, जब भी पसीना आता है आँखों में आंसू आते हैं, है नहीं सकते, वहाँ खुशियाँ कहाँ है यार, खुशियाँ नहीं है यार, इतनी खुशियाँ और अंदर भी खुशियाँ खुरी से, वो तो आपको मेला मालूम है जो बैठे हैं। क्या क्या जरूरत है आज एक्चुअली में लोगों को समाज को उनकी? समाज को तो आगे बढ़ाने की जरूरत थी, गुरु जी होते तो। क्या मांग करोगे आप सरकार से? मांग कीजिए भाई, निर्दोष है इसको छोड़ो, रिहा करो, यही तो मांग है ना भाई, इसको रिहा करो, निर्दोष हैं, दोषी हो तो दोषी को तो पकड़ के दिखाओ, जो खट्टा है दोषी उन्होंने उनको टेस्ट क्यों कराया, और वे लड़कियां बताती थी हाँ दोषी ठहराया था, उनका DNA टेस्ट क्यों कराते, सतगुरु तो अब भी तैयार है DNA टेस्ट कराने में, उन्हें क्यों नहीं कराया हैं, खट्टा अनार को टेस्ट क्यों कराते जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जांच की मांग की जा रही है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के केसेस के बारे में, जनता की मांग है कि दोबारा जांच होनी चाहिए, क्योंकि सारे आरोप
जनता नकार रही है, कह रही है, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। जो भी आपके सामने लोगों ने आके बोला था, कुछ ऐसे लोग थे, कुछ दो चार लोग, चाहे खट्टा सिंह, इनकी मांग है कि उनका टेस्ट होना चाहिए और दोबारा जांच होनी चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए, सच की सोच को, मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।